और अब बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता देते हैं। 31 मार्च को होगी हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, हरियाणा निवास में होगी कमेटी की बैठक। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में चीफ सेक्रेटरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में 31 मार्च को ये बैठक होगी हाई पावर परचेज कमेटी की। इस बैठक को सीएम मनोहर लाल यहां पर अध्यक्षता उसकी करने वाले हैं और हरियाणा निवास में इस बैठक को किया जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक यहां पर होगी और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी समेत कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने दुर्गा अष्टमी के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप सभी पर माता रानी की अपार कृपा बरसे, वह सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आए, मां अम्बे से ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आया है। गठबंधन पर डिप्टी सीएम ने बयान दिया है, गठबंधन अच्छा चल रहा है और चलता रहेगा। ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान देते हुए कहा है और कहा है कि गठबंधन अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम की तरफ से गठबंधन को लेकर यह बयान दिया गया और साफ कर दिया गया कि गठबंधन अच्छा चल रहा है और चलता रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह बयान दिया और कहा कि गठबंधन अच्छा चल रहा है, चलता रहेगा। ये बड़ी बात यहां पर गठबंधन पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की है। अम्बाला में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला अम्बाला कैंट के गांधीनगर से सामने आया है, जहां पर आवारा कुत्तों ने एक गुरुद्वारे के पाठी को अपना निशाना बनाकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत नगर परिषद अम्बाला कैंट में दी और आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। नगर निगम और अम्बाला नगर परिषद ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बार भी अम्बाला नगर निगम ने जल्द ही इन आवारा कुत्तों की नसबंदी करने की बात कही है। पीड़ित पाठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं गुरुद्वारे से वापस घर लौट रहा था, तभी जैसे ही मैं गली में घुसा, आवारा कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। साढ़े आठ बजे तकरीबन गुरुद्वारे से अपने घर आया मैं, और हमारी जो गली है अंदर गांधीनगर, आवारा कुत्ते हैं गली के सारे, अपने उस मोहल्ले वाले उनको खाना पीना देते हैं, गली में ही रखते हैं वो। तो जैसे मैं गली के अंदर एंट्री होया तो चार पांच कुत्ते मैंने डायरेक्ट करके पै गई, मेरी बाइक नीचे गिर गई और उन्होंने बहुत बुरे तरीके से मतलब मेरे को पकड़ लिया। एक को हटाओ दूसरा पकड़ लेता, दूसरे को हटाओ तीसरा पकड़ लेता है। तो सर मतलब अगर ये चाहते हो चलो आज मेरे साथ है, कल को किसी बच्चे को पकड़ ले ते बच्चे को तो खत्म ही कर देंगे। मेरा हाल देखो क्या है, एक एक बाजू पे दस दस पंद्रह पंद्रह निशान। मुझे पता लगा कि हमारा जो टेंडर है
तो वाला वो समाप्त हो चुका है और इस बारे में हम नया टेंडर के बारे में जो भी प्रक्रिया है वो आगे चलाएंगे भी। और जिनको काटा है उनसे अभी मेरी बात नहीं है, और अगर वो इस बारे में शिकायत करेंगे तो जाहिर तौर पर अगर किसी का पालतू कुत्ता है या हमारा कुत्ता है तो उसको पकड़ के कानून के तहत से जो भी हमारी कार्रवाई बनती है पशुओं की व्यवस्थाओं के बारे में वो करेंगे। बारिश ने किसानों की 6 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया। जहां तेज हवा और बारिश से किसानों की गेहूं की फसल जमीन पर गिरकर खराब होने की कगार पर है, किसान अपनी खराब हुई फसल के मुआवजे के लिए सरकार से गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान और किसान खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए अम्बाला कैंट एसडीएम से मिले और ग्राउंड जीरो पर जाकर गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग रखी। उनकी मांग पर एसडीएम ने आश्वासन दिया कि ग्राउंड जीरो पर जाकर गिरदावरी करवाई जाएगी जिससे किसानों को उनकी खराब हुई फसल का उचित मुआवजा मिल सके। प्रतिनिधि मंडल मिला है और इन्होंने फसल के जो नुकसान हुआ है अभी जो रिसेंटली जब बारिश और ओलावृष्टि हुई तो उसके बाबत तो इनको जो जिनको नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार की हिदायतें आ गई और उसके लिए इंक्वायरी फील्ड में मौका निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दें ताकि आगामी कार्रवाई की जाए। अभी ये बरसात हुई 2-4 दिन पहले आंधी आई से फसलें जो खराब हुई उसके लिए मुद्दा था एडीएम साहब से यही कह रही जो जिसकी है बीमा है सरकार ने उन्हीं को कहा है कि वो अपना दर्ज कराएं। तो बाकी किसान भी तो हैं, हमने ये कहा उनसे कि आप ग्राउंड लेवल पे गिरदावरी कराओ, जिसकी जो फसल खराब है उसको लिखो, जिसकी ठीक है उसको ना लिखो। ये ऐसी फसल है यमुनानगर के गांधीनगर एसएचओ इंस्पेक्टर सुभाष और एएसआई संजीव एक केस में धारा बदलने के लिए 2 लाख रुपयों की मांग कर रहे थे। यमुनानगर निवासी आशिक नाम के शख्स ने इसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद शुरुआती जांच में दोनों पुलिस अधिकारियों की तरफ से शक की सुई घूम रही थी, लिहाजा यमुनानगर थाने में एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये अरेस्ट होता है तब ये किसी को उनके इन्वेस्टिगेशन को मोड़ने के लिए या कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन क्या थी, मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था, उसमें जैसे मैंने कहा कि आपको एफआईआर की कॉपी भी मिल जाएगी, उसमें सारा डिटेल्स मेंशन है कि कोई एक धारा थी उस धारा को तर्क करने के लिए ये क्लियर जो है अभी तक हमारे पास जो साक्ष्य हैं डिमांड किए गए। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला से नगरपालिका कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी। अंबाला कैंट में 3 दिनों से कर रहे हैं भूख हड़ताल। रोजगार कौशल निगम को बंद करने की मांग की गई, मांगों को लेकर 4 अप्रैल तक भूख हड़ताल पर कर्मचारी रहेंगे। ये बड़ी आपको खबर बता रहे हैं, अंबाला से नगरपालिका कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी है। अंबाला कैंट में 3 दिनों से कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। रोजगार कौशल निगम को बंद करने की मांग की गई है और मांगों को लेकर 4 अप्रैल तक ऐसे ही भूख हड़ताल पर कर्मचारी रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिनों से कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। नगरपालिका कर्मचारियों की भूख हड़ताल यहां पर लगातार जारी है, 4 अप्रैल तक ये भूख हड़ताल ऐसे ही चलेगी। रोजगार कौशल निगम को बंद करने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर है, रोजगार कौशल निगम को बंद करने की मांग को लेकर नगर पालिका कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। 3 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी और अब 4 अप्रैल तक भूख हड़ताल पर कर्मचारी रहने वाले हैं।
कंवर लोहारू से है, जहां कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने पहाड़ी माता मंदिर में माता के दर्शन किए। कृषि मंत्री ने अपने निवास स्थान पर जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों को सुना और समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत 2 अप्रैल से भिवानी से शुरू हो रही है, जो प्रदेश स्तर पर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को पन्ना प्रमुख के घरों पर तिरंगा फहराने का काम पार्टी करेगी। लोकतंत्र में अनेक जल कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, इसका लाभ लोगों को होगा। सुबह सुबह 7 बजे हमारी जो क्षेत्र की देवी है पहाड़ी माता के दरबार में हमने दर्शन की और पूरे प्रदेश की और पूरे इलाके की मंगल कामना की कि हमारा इलाका तरक्की करे, सुख शांति से रहे, अच्छी फसल हो, किसान आगे बढ़े, जवान आगे बढ़े। और बहुत लोग जो हैं धर्म प्रवृत्ति के हैं, लाखों की संख्या में यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और इस इलाके के लोग जो हैं इससे लाभ उठाते हैं। तो शाम में गांव ढाणी रिवासा के पास निगाना फीडर नहर के ओवरफ्लो होने से किसानों की तकरीबन 150 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। पीड़ित किसानों ने सिंचाई विभाग से तुरंत फसलों के मुआवजे की मांग की है। इसी को लेकर किसानों ने कहा कि 28 मार्च रात करीबन 11 से 12 बजे के बीच निगाना फीडर नहर ओवरफ्लो हो गई, जिससे 150 एकड़ जमीन में 2 से 3 फीट पानी भर गया है। किसानों का कहना है कि जमीन में अधिकतर गेहूं की फसल बोई गई है, साथ ही कुछ एकड़ जमीन में सब्जियां भी लगाई गई थी, इस वजह से पूरी तरह फसलें जलमग्न हो गईं। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के एसडीओ का कहना है कि पीछे से एकदम अधिक पानी आने और मांग के कम होने की वजह से नहर ओवरफ्लो हो गई। हमने जो अपने इंडियन जो रखा था उससे कुछ तो एक्सेस सप्लाई हमें जो अपटीम साइड है सुंदर सब प्लांट से पानी मिला है। कुछ जो लोगों की अपनी जो फसल है वो मेच्योरिटी में है, तो क्रॉप्स मेच्योरिटी के कारण डिमांड कम है, इस वजह से लोगों ने अपने जो आउटलेट्स है वो बंद कर दिए। जो माइनर्स हैं उनमें भी कम पानी चलाया है। हमने एक सिस्टम का पानी जो है जुई सिस्टम में चलाना था, परंतु एक्सेस सप्लाई की वजह से हमने निगाना फीटर भी चला दिया और जुई डाउन का सिस्टम भी चल रहा है, दोनों में पानी ज्यादा हो रखा है। रीजन यही है कि आउटलेट्स सारे बंद हैं, जमींदार जो पानी लगा नहीं रहे। 10 किले तो मेरे हैं जी, 150 किले जमीन के बढ़ती गुराज 150 किले, तो उनमें कितने करीब कितना पानी गया है? किधर 3 फुट से, किधर 2 फुट से, 2.5 फुट से, किधर ज्यादा भी है। तो इससे आपकी फसल के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? बड़ा नुकसान हो गया जी, काफी नुकसान गाड़ी पड़ गई, फिर पानी फिर गई उसको ऊपर। अच्छा अच्छा। के नारनौद ब्लॉक कमेटी ने विधायक राज राम कुमार गौतम के आवास पर अपनी मांगों को लेकर दिव्यांग अधिकार मंच ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश महासचिव ऋषिकेश राजली व जिला उपप्रधान सुभेद सिंह लोहान ने कहा, 15 मार्च को विकलांग अधिकार मंच हरियाणा ने डीसी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। उस दौरान उपायुक्त से बातचीत के दौरान उपायुक्त ने कहा कि 23 मार्च को संबंधित अधिकारियों के साथ आपकी बैठक करवाकर समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक विकलांगों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। विकलांग भाई हमारे पास आए थे, कुर्ती के बाहर धरना दे रहे थे, गौतम साहब को ज्ञापन देने आए थे। गौतम साहब चंडीगढ़ होने के कारण ज्ञापन मेरे को दे रहे हैं, मैं इनका ज्ञापन गौतम साहब तक पहुंचा रहा हूँ। क्या नाम है? कुमार गौतम जी के, जो हमारे नानों के विधायक हैं, उसके आवास पर अपनी स्थानीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और बड़ी दुख की बात है कि हमें पहले मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक कर रखी थी कि हम आज 28 मार्च को विधायक के आवास पर पहुंचेंगे, काफी संख्या में विकलांग, और यहां विधायक ना मिला और हमें बातचीत करी तो बता रहे हैं कि बाहर गया हुआ है। तो विकलांगों का दर्द सुनने के लिए नरनौंद का विधायक आज हमारे बीच में नहीं है। फरीदाबाद के गोची गांव में बीती रात असामाजिक तत्वों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया।
बता दें कि सुबह जब ग्रामीणों ने उठकर क्षतिग्रस्त मूर्ति को देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। धीरे धीरे ये खबर गांव में फैल गई, जिसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने का भारी रोष व्यक्त किया गया। वहीं ग्रामीणों के बढ़ते रोष को देखकर मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल्द ही उसी स्थान पर प्रशासन की तरफ से नई मूर्ति लगाने का आश्वासन देकर शांत कराया, लेकिन ग्रामीणों ने मांग की कि 14 अप्रैल से पहले बाबा साहेब की मूर्ति को लगा दिया जाए। वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल एसएचओ विजय कुमार ने बताया कि मूर्ति के तोड़े जाने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, वे अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की शिकायत पर उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया गया। तो वहां से सूचना मिली थी कि जो गांव को चिन्ह अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, उस अम्बेडकर पार्क में किसने मूर्ति तोड़ दिया सामाजिक तत्व की। अम्बेडकर जी, अम्बेडकर पार्क में सरकारी स्कूल के पीछे जी। तो सूचना पाकर फिर हम यहाँ मौके पाकर फिर यहाँ के देखे हैं, जो भी अब शिकायत देंगे उस पर कार्रवाई शिकायत दे दी उस पर कार्रवाई। वो ये चीज देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है, रात को कितने बजे हुआ ये तो अभी पता नहीं है, बाकी पुलिस प्रशासन पूरा आया हुआ है, उसकी इंक्वायरी करेगा। मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि तो हमारी नई मूर्ति लगाई जाए 14 अप्रैल से पहले पहले और उनको गिरफ्तार किया जाए जिसने ये हादसा किया। भिवाड़ी के आरटीए कार्यालय में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने रेड मारी। इस दौरान कार्यालय में 8 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। बता दें कि मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को शिकायत मिल रही थी कि कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं आ रहे और मनमानी करते हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ बावल के बस स्टैंड परिसर स्थित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में छापेमारी की। बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बावल के बनीपुर चौक पर बस स्टैंड परिसर में आरटीए कार्यालय संचालित है, जहां पर कुल 32 लोगों का स्टाफ है। ऑफिस पहुंचने का समय सुबह 9 बजे तय किया गया है, लेकिन कर्मचारी मनमानी करते हैं और समय पर कार्यालय नहीं आते हैं। इस पर सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और 8 अधिकारी गैर हाजिर मिले। इस पर मजिस्ट्रेट नीरज यादव ने कहा कि ये रेड केवल कर्मचारियों की लेट लतीफी पर करी गई है। इस मामले में रिपोर्ट तैयार करके विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है ताकि नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सके। बड़ी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से यहां की गई है और अब उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये बड़ी खबर आपको यहां पर रेवाड़ी से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने ये रेड की है और इस दौरान कई कर्मचारी गैरहाजिर मिले हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की तरफ से पुलिस कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित उपस्थित बारे उन्हें मिशन दिया गया। हमारे यहाँ 2 अधिकारी व 30 कर्मचारी कार्यालय हैं, जिनमें से 24 उपस्थित थे। 8 कर्मचारी जिनमें 4 डाटा आईटी ऑपरेटर और 2 सेवादार और 1 इन्फोर्समेंट स्टाफ से एएसआई उपस्थित पाए गए और उनने हमारे से जो कुछ है उन्होंने हमें संतोषपूर्ण जवाब दिया। अनुपस्थित पाया गया है तो पूरी रिपोर्ट फॉर्मल रिपोर्ट बना दी गई है और आरोपी जो है उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। खामियां ये है जी, देर इज अ लैक ऑफ पंक्चुअलिटी कि अगर आपको टाइम से आना है ऑफिस और आप टाइम से नहीं आ रहे हैं 9 बजे तो उसी बारे में जांच की। और अब बड़ी खबर, टोहाना की फतेहाबाद ब्रांच नहर में मिले युवक युवती के शव। एक दूसरे से बंधे हुए मिले युवक युवती के शव। दोनों युवक युवती टोहाना से लापता हुए थे। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों
युवक युवती काफी समय से लापता थे और अब इनके शव नहर में बरामद किए गए। सुहाना की फतेहाबाद ब्रांच नहर में युवक युवती के शव मिले हैं। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, एक दूसरे से ये शव बंधे हुए थे जब इन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। टोहाना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फतेहाबाद ब्रांच नहर में युवक युवती के शव मिले। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नहर से युवक और युवती के शव बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अब शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई अब की जा रही है। टोहाना की फतेहाबाद ब्रांच नहर से ये शव बरामद किए गए। दोबारा पर सूचना मिली थी, फतेहाबाद ब्रांच के अंदर दो डेड बॉडी है। जो हम मौका पर आए तो इसकी सूचना फिर एसएचओ साहब को दी गई। एसएचओ साहब ने एसएच जयवीर को भेजा, जिन्होंने इसकी सूचना सीन ऑफ क्राइम टीम को दी और सीन ऑफ क्राइम की टीम फतेहाबाद से आने लगी। उसके आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो शव किसके? तो जांच में देख ले तो एक लेडीज और एक जेंट्स का है। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पुलिस ने अब स्टंटबाजी और हुड़दंग करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। 50,000 का चालान काटने की ठान ली है। यह फैसला लिया गया कि इस पर अमल भी शुरू हो गया और एनआईटी 3 नंबर महिला कॉलेज के पास बुलेट बाइक पर पटाखे छोड़ते और हुड़दंगबाजी करते हुए युवक का सब इंस्पेक्टर सोहनपाल ने 50,000 रुपए का चालान किया। आपको बता दें कि यह चालान 50,000 रुपए का इसलिए किया गया क्योंकि युवक की बुलेट बाइक थी, उसके पास न लाइसेंस था और न ही बाइक पर नंबर प्लेट और न ही हेलमेट। बाइक का लाइसेंस भी साइलेंसर भी पटाखे छोड़ने वाले लगाए गए थे और महिला कॉलेज के बाहर युवक बुलेट से पटाखे छोड़ता हुआ और हुड़दंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया था। चौकी इंचार्ज सोहनपाल ने बताया कि पुलिस कमिश्नर द्वारा ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों का चालान करने के आदेश दिए गए हैं, उसी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। आपने एक बुलेट मोटरसाइकिल का चालान किया है, कितने का चालान किया है, किन नियमों के तहत किया है? ट्रैफिक नियम के हिसाब से किया है। बुलेट मोटरसाइकिल का इसमें साइलेंसर लगाया हुआ है एक्स्ट्रा, जो पटाखे वाला है जी। और प्रेशर हॉर्न है, विदाउट डॉक्यूमेंट है जी। और ये नंबर प्लेट है, ये ब्लैक पोती हुई है, लड़के ने इसका आईडी लगा रखी है और कॉलेज और स्कूल है इनके पास से ये पटाखे छोड़ता हुआ जा रहा था और इसको इम्पाउंड कर दिया गया है विदाउट डॉक्यूमेंट और प्रेशर और पटाखे वाली